नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल योगी द इन्फो गुरुजी में। दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले ICF रोल के ऊपर एक वीडियो बनाया था। पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को उसमें समझाया था कि अगर आपने भी ICF रोल के लिए अप्लाई किया और आपका ICF सिग्नल रेड दिखा रहा है काफ़ी समय से, उसको ग्रीन करने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन सी वेबसाइट पर जाना होगा, कहाँ पर अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करना होगा। उस वीडियो में काफ़ी सारे हमारे भाइयों के, व्यूअर्स के कमेंट्स आए कि सर, हमारा जो ICF रेड सिग्नल है वो काफ़ी समय से है, मतलब 6 महीने से, 4 महीने से उनका सिग्नल रेड ही दिखा रहा है, ग्रीन नहीं हो रहा है। और कुछ भाइयों के कमेंट्स ये भी आए कि सर, हमने 2 घंटे पहले ICF अप्रूवल के लिए अप्लाई किया और उनको अप्रूवल मिल गया, उनका स्टेटस ग्रीन हो गया। तो जब मैंने इस चीज़ को समझा, मैंने इस चीज़ पे थोड़ी रिसर्च करी, तो मैंने ये जाना कि जो लोगों का स्टेटस रेड दिखा रहा है वो काफ़ी टाइम पहले ही ग्रीन हो चुका है, उनको मालूम ही नहीं पड़ा उनका स्टेटस कब ग्रीन हुआ और उनको ईमेल भी आया हुआ है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं इस वीडियो के जरिए आपकी हेल्प कर सकूं, आपको बता सकूं कि आपका जो ICF सिग्नल है वो भी रेड हो चुका होगा, उसको आप चेक कैसे कर सकते हो, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कहाँ पे आपको सिर्फ 2 मिनट का काम है, अपने मोबाइल से भी आप चेक कर सकते हो, अपने लैपटॉप से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो स्टेटस है ICF स्टेटस, क्या पता वो ग्रीन हो गया हो। तो इस वीडियो में आपको वो पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसके लिए वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको अपने गूगल क्रोम में आना है। गूगल क्रोम में आपको टाइप करना है uae.entry.ica.gov.ae, ठीक है, ये आपको ओपन करना है। ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस लिंक को आप अपने मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो, अपने लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपको लैपटॉप में ही ओपन करना है, अपने मोबाइल में भी आप ये लिंक डाल के ओपन करोगे। उसके बाद में जैसा कि ये बता रहा है, डियर कस्टमर काइंडली एंटर द पासपोर्ट नंबर दैट हैज़ द वैलिड रेसिडेंस परमिट इशूड बाई द ICA, ठीक है। उसके बाद में ये 4 चीज़ें हमें फिल करनी है। सबसे पहले इमिरेट्स ID नंबर हमें डालना है। तो फॉर एग्जांपल आपको मैं अपनी खुद की डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करके दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। पासपोर्ट नंबर ये मांग रहा है तो पासपोर्ट नंबर मैं डाल देता हूँ। ओके, उसके बाद में पासपोर्ट टाइप, अब 99% केसेस में ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है तो आप यही सिलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद में सिलेक्ट करोगे नेशनलिटी अपनी, आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करोगे, बहुत ही इजी है, और कर दोगे चेक, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हो मेरा सिग्नल यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है। डियर वैल्यूड कस्टमर, यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स टू एंटर द कंट्री एंड यू कैन प्रोसीड विद द कंप्लीशन ऑफ ट्रैवल प्रोसीजर्स, विशिंग यू कंटिन्यूड हेल्थ एंड वेलनेस। इसका मतलब ये है कि मैं UAE में ट्रैवल कर सकता हूँ, मेरा जो सिग्नल है जैसा कि आप देख रहे हो ग्रीन दिखा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कितना ईजी है, इस लिंक पे, इस वेबसाइट पे आके अपनी इमिरेट्स ID नंबर, पासपोर्ट नंबर डाल के आप भी चेक कर सकते हो कि आपने जो ICF अप्रूवल के लिए अप्लाई किया क्या वो रेड है या ग्रीन हो चुका है। 90% लोगों को यही नहीं मालूम होता कि वो स्टेटस कहाँ चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसी के लिए ये वीडियो बनाया है ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। और UAE की तरफ से, UAE गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक न्यूज़ और सुनने को मिल रही है कि मोस्ट ऑफ दी सिग्नल जो पिछले काफ़ी समय से रेड दिखा रहे थे ICA के, वो UAE गवर्नमेंट ने आज ग्रीन कर दिए हैं। तो आप भी जाके चेक करिए, हो सकता है आपका भी जो रेड सिग्नल काफ़ी टाइम से दिखा रहा है वो ग्रीन हो चुका हो। आई होप आपको ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अपने काम का लगा होगा। प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनका ICA अप्रूवल अभी भी रेड दिखा रहा है, क्या पता उनको मालूम ही ना हो कि कैसे वो चेक कर सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।